अगर हम ये कहें कि काई यानी कि एल्गी प्लास्टिक को रिप्लेस करने का पावर रखता है तो क्या आप मानोगे? इंडिया की कोस्ट लाइन लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है और ये समुद्र में पाए जाने वाली ये एल्गी जिसको हम सी वीड के नाम से जानते हैं उसको समुद्र से निकाल कर सुखाया जाता है और इसे लैब में हीट दी जाती है। हीट देने के बाद ये क्लियर फ्लूइड में बदल जाता है और जिससे हम प्लास्टिक के फॉर्म में बदलते हैं। इसे ही हम गुड प्लास्टिक कहते हैं। गुड क्यों? क्योंकि इसे हम खा भी सकते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है और कंपोस्टेबल है, और तो और लैंड में बस 4 महीने और वाटर में बस 4 घंटे में डिसॉल्व हो जाता है। प्लास्टिक जो कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के डिस्ट्रक्शन का मेन कॉज है उसे गुड प्लास्टिक से रिप्लेस किया जा सकता है और अपने आप में ही ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है और इसकी खोज की है एक इंडियन कंपनी जीरो सर्कल ने। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारत की कंपनी ने यह एक ऐसी खोज की है जो भारत ही नहीं दुनिया भर के प्लास्टिक के कचरे की समस्या को दूर कर देगी। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। यह एक ऐसी प्लास्टिक है जिसको आप खा भी सकते हैं। यह मानव शरीर और पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करती है। यह प्राकृतिक रूप से समुद्र में उगने वाली एक तरह की काई है जिसको सीवीड या एल्जी भी कहा जाता है। यह पोषक तत्वों की खान है और बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। जब से इसके फायदे सामने आए हैं तब से इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है और इसकी बाकायदा खेती होना शुरू हो गई है। भारत इस मामले में काफी लकी है क्योंकि भारत की जो कोस्टल लाइन है वह 7500 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए यहां इसकी खेती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब से प्लास्टिक निर्माण में इसके उपयोग की खोज हुई है तब से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी यह शुरुआती अवस्था में है, जैसे जैसे इसका प्रचार बढ़ेगा और खपत बढ़ेगी वैसे वैसे उसके रेट भी कम होंगे। सरकारों को इसमें आगे आना होगा। वे युवा जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या वे लोग जो अपने बिजनेस को स्विच करना चाहते हैं उनके लिए यह एक उभरता हुआ बिजनेस है और भविष्य में इसमें अपार संभावनाएं हैं क्योंकि आज हर चीज में प्लास्टिक का उपयोग होता है, खाने से लेकर पहनने तक, और दिनों दिन प्लास्टिक की डिमांड और इसका उत्पादन बढ़ते ही जा रहे हैं।